तो जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, आज है 15 अगस्त और मैंने आपसे कहा था कि मैं 15 अगस्त को पेड़ लगाऊंगा और मैं यहां पर आ चुका हूं। ये बहुत बड़ी नर्सरी है। आप सबने बहुत मुझे सपोर्ट किया और जिन लोगों ने मदद करी है फाइनल से, उसके लिए भी शुक्रिया। और यहां पर बहुत सारे पेड़ हैं जो मैं लगाना चाहता था और आप सबको दिखाना चाहता था, तो मैं आपको पूरी वीडियो दिखाऊंगा ताकि आप लोग को पूरा यकीन हो जाए कि जो मैंने आपसे वादा किया था वो पूरा किया है। ठीक है, तो आप आगे आइए भाई और इनको दिखाइए जहाँ पे हमारे पेड़ निकाले जा रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं। ठीक है, ये देखिए हमारे यहाँ पर पेड़ निकाले जा रहे हैं, कितने बहुत सारे पेड़ निकल चुके हैं और हम यहाँ पर लगभग 1200 पेड़ लेने वाले हैं और इन पेड़ को हम बांटेंगे भी और लगाएंगे भी। ठीक है, थैंक यू। तो गाइस, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि 15 अगस्त को 1000 पेड़ लगाऊंगा और मैंने अपना वादा पूरा किया, पर यहां पर मैंने 1200 पेड़ ख़रीदा क्योंकि आप लोगों ने मुझे ज़रूरत से ज़्यादा डोनेट कर दिए थे पैसे और पेड़ के लिए थैंक यू। तो गाइस, यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए यहां पर मेरे पेड़ लद रहे हैं। ठीक है, ट्रॉली में आपको दिखाता हूं, अभी आधे लदे हुए हैं और इस तरफ से पेड़ आ रहे हैं, उस तरफ बहुत सारे पेड़ हैं इस तरफ, और इधर आपको दिखाता हूँ यहाँ ट्रॉली में कैसे लोड हो रहा है। ठीक है, ये देखिए, ये कुछ इस तरह से पेड़ रखे जाते हैं ताकि ये हवा से ख़राब ना हो। और यहाँ पर देखिए अंकल जी फटाफट रख रहे हैं और सारे फटाफट आ रहे हैं। और ये देखिए पेड़, और ये रहा हमारा ट्रैक्टर भाड़े का, ये देखिए मेरा भाई है, मेरे साथ भी वीडियो बनाता है। ये माल लोड हो रहा है, इसके बाद सीधा हम चलेंगे खेत पर, यहाँ पेड़ लगाने हैं। नेशनल स्कूल के बच्चे हैं तो हमारा पहला काम ये होगा कि हम बच्चों को पेड़ के लिए जागरूक करें ताकि वो भी पेड़ लगाएं और हम भी पेड़ लगाएं और अपने भारत को हरा भरा बनाएं। तो बच्चों, आप पेड़ लगाने के लिए तैयार हो? जी। आप पेड़ लगाना चाहते हो? जी। हम आपका पेड़ देंगे फ्री में। जी। आप लोग पेड़ लगाओ। जी, लगाएंगे। लगाओ बेटा। जी। आ जाओ। 15 अगस्त। जी, राकेश कुमार सर हैं, इन्होंने सर ने जो है हमें अलाउ किया कि हम बच्चों को पेड़ बांटें। तो ये पहला पेड़ है मेरा जो मैं लगाने जा रहा हूँ यहाँ पर, और आपको तरीका बता देता हूँ। सबसे पहले अगर आपको तरीका ना पता हो तो सबसे पहले इस पेड़ की यहाँ से पन्नी फाड़ लेनी है ताकि ये पेड़ बाहर आ जाए। ठीक, उसके बाद ही पेड़ लगाएं। ये देखिए कुछ इस तरह से, और ये मेरा पहला पेड़ है जिसे मैं लगाने जा रहा हूँ, और यहाँ पर बारिश बहुत तेज़ हो रही है, पर कोई नहीं, हम फिर भी पेड़ लगाएंगे। आप देख सकते हैं और आवाज़ सुन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पेड़ लगा रहा हूँ, आप देखिए ज़रा यहाँ गड्ढा दिखा दो भाई। हमने यहाँ पर ज़्यादा बड़ा गड्ढा नहीं करा है, बस इतना। देखिए ये पेड़ इसमें डूब जा रहा है पूरी तरह से, इतना ही काफ़ी होता है एक अच्छे पेड़ के लिए। तो इसमें हम मिट्टी डालेंगे कुछ इस तरह से और इसे बंद कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा लगभग पहला पेड़ लग चुका है, और इस पर गीली घास रख देंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा दूर, और इसके बाद में ये देखिए मेरा पहला गड्ढा लग गया। यहाँ पर पेड़ लगाने के लिए गड्ढे खोद रहा हूँ, और यहाँ पर देखिए एक दिन में 500 पेड़ नहीं लग सकता है, इसलिए पहले से पहले गड्ढा खोदना पड़ता है, पर वो बारिश की वजह से खोद नहीं पाया। तो आज हमने पेड़ भी ले लिया है और यहाँ पर गड्ढे भी खोद दिए हैं। आप देख सकते हैं ये बहुत सारे गड्ढे हैं यहाँ पर, और इन गड्ढों की जो हाइट है, जो गहराई है, वो है 1.5 फीट। ये आपको देखने में लग रहे होंगे कम खुदा है, पर बारिश में ज़्यादा गहरा गड्ढा खोदने की ज़रूरत नहीं होती आपको, बस
एक फीट या डेढ़ फीट बहुत होता है, ठीक है, बस पैकेट डूब जाए पेड़ी का। यहाँ पर आपको बहुत सारे गड्ढे मैंने दिखा दिए है, और इस तरह से पूरा ये आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये देखिए, और आगे चल के दिखाता हूँ थोड़ा सा, ये देखिए, ये देखिए, ये पूरे गड्ढे हैं, और इसमें आज शाम तक पेड़ लग जाएंगे। तो अब तो गाइस, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं बहुत सारे पेड़ लगाने वाला हूँ, और मैंने यहाँ पे बहुत सारे पेड़ लगाए हुए हैं, बस आपको दिखाना चाहता हूँ कि आप लोग भी देखें। मैंने आपके नाम से भी पेड़ लगाए हैं यहाँ पर, और आपको हम दिखाते हैं ये पेड़ लगे हुए हैं कुछ इस तरफ से। देखिए भाई, इनको दिखा दीजिए, एक पेड़ ये रहा, एक पेड़ ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे पेड़ लगाए हैं हमने, और अभी कुछ पेड़ लग रहे हैं इस तरफ, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे पहले से बड़े पेड़ जो लगे हुए हैं उनको छोड़ करके हम यहाँ पे छोटे पेड़ भी लगा रहे हैं, और ये पेड़ आगे तक लगे हुए हैं, और काफ़ी बड़ा एरिया है। और यहाँ आसपास आप देख सकते हैं बहुत कम पेड़ हैं, तो यहाँ पे हमने बहुत सारे पेड़ लगाए हैं। तो आप लोग जल्दी जल्दी मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आप सबके लिए शहरों में पेड़ लगाऊँ जो कि मैं लगाता हूँ। तो गाइज, यह पेड़ मैं नहर किनारे लगा रहा हूँ। आप जब भी इकोलिप्टस ट्री लगाएं या सफ़ेदे का पेड़ लगाएं, तो नहर, नदी, तालाब आदि के किनारे लगाएं, ताकि पानी की कमी ना हो। और दूसरी चीज़, ये मिट्टी को थोड़ा ख़राब कर देता है, तो ऐसी जगह मिट्टी पे लगाएं जहाँ पर मिट्टी उपजाऊ ना हो। जैसे कि ये मेरी मिट्टी उपजाऊ नहीं थी, तो मैंने यहाँ पर ये पेड़ लगाया है। सत्रह। और ये भैया ने मुझे पेड़ दिया है, और मैं सच बताऊं, इन्होंने मुझे बहुत डिस्काउंट दिया। मैंने ने बताया कि मैं YouTube पे वीडियो डालता हूं, तो भैया ने कहा कि कोई बात नहीं, और इन्होंने मुझे बहुत ही कम में पेड़ दिए हैं। और आपको दिखाते हैं भैया के पास कौन कौन से पेड़ है, अगर आप लेना चाहें तो आप यहाँ से ले सकते हैं। क्या एड्रेस है भैया, बताना आपका। ये हमारा बहादुरपुर चौराहा है, और रोड है मोहनगंज तिलवई, जिला मेठी है। अच्छा, और आपके पास कौन कौन से पेड़ हैं भैया? आम है, सफ़ेदा है, और दशहरी आम है, नीम है। अच्छा, ये नीम का पेड़ है? हाँ, नीम का पेड़ है ये। अच्छा, और कौन सा है इधर दिखाना भैया? महुआ है। अच्छा, सागवान है। सागवान भी है। अनार है। अनार है। करौंदा है। हाँ, करौंदा है, नींबू भी है। ये देखिए, और महुआ है, और क्या है? ये अनार भी है, और क्या कहते हैं, नींबू भी है, देसी आम भी है। अच्छा, ये उसी तरह मिल जाएंगे जो है, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई, अगर आप मेरी वीडियो देख के आओगे और भैया को बताओगे कि अगर हम आपकी वीडियो देख के आए हैं, तो भैया आपको स्पेशल डिस्काउंट देंगे। तो आप यहाँ से पेड़ लें, ठीक है, और भैया आपको कम से कम में देंगे, ठीक है।